सबसे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ कर लेते हैं। एक नजर बड़ी खबर पर। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल को आज 18 दिन हो चुके हैं। 18वें दिन लगातार प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। यमुनानगर सचिवालय पर सैकड़ों जो डाकी हैं वो प्रदर्शन दे रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप दिया है डाक सेवकों ने। तो ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल को 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिन बाद भी अभी तक कोई समाधान इनकी मांगों को लेकर नहीं निकल पाया। सचिवालय पर सैकड़ों ग्रामीण डाक सेवकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन रहा इनका। संवाददाता सुमित ओब्रॉय है हमारे साथ। सुमित, 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिन से लगातार हड़ताल बनी हुई है डाक सेवकों की। क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है कोई? बिल्कुल, पिछले जो है 18 दिनों से इनकी हड़ताल जारी है और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जो ग्रामीण सेवक है और कई जिलों के आज ग्रामीण सेवक थे वो यमुनानगर सचिवालय पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों का ज्ञापन है जो प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। इन सभी की एक मांग थी कि इनका कहना था कि एक रिपोर्ट बनाई गई थी कमलेश रिपोर्ट, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। सरकार अपना भी कहना था, केंद्रीय श्रम आयुक्त और डाक विभाग के जो आला अधिकारी थे उनके साथ बातचीत भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके कोई परिणाम नहीं निकला और इनको ये कहा गया कि 45 दिन का जो है समय वो सरकार को दिया जाए और तब तक जो हड़ताल है वो स्थगित कर दी जाए। लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक इस हड़ताल को जो है नहीं बंद किया जाएगा और अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो जो है लगातार चलती रहेगी। और आज 18वें दिन के अंदर ये हड़ताल प्रवेश कर गई और साथ ही इनका ये कहना था कि जो रिपोर्ट लागू करने की बात की गई थी जिस अंदर ग्रामीण डाक सेवकों की मांगे थी उनको पूरा करने की उस कमेटी ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी उसको जो है 18 महीने पहले वो रिपोर्ट अपनी सौंप चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इनकी जो मांगे हैं अब तक नहीं मानी गई। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि इनकी जो फाइल थी वो अभी कैबिनेट के अंदर है और जब तक इनकी मांगे जो है लिखित के अंदर इनको आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक इनकी जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में अगर सब ये सोच सकते हैं कि अगर लिखित आश्वासन इनको दिया जाता है तो केंद्रीय नेतृत्व है जो इन कर्मचारियों का जो वो उस पर विचार करेगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका सुमित हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार 18 दिन हो चुके हैं ग्रामीण डाक सेवकों को हड़ताल पर बने हुए।